हेलो एवरीवन मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज की क्लास में हम लोग अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस देखने वाले हैं लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि कैस क्या अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों को जम्बल सेंटेंसेस को सॉल्व करने की बिकॉज़ ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं और उसकी वजह से उनके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कराए थे और मैंने बताया था कि कैसे आप बहुत ही कम समय में सही आंसर पर पहुँच सकते हो और वो भी हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी के साथ अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लेना उसके बाद इस वीडियो को देखना तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएगी तो आज के सेशन में हम लोग फिफ्टीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले अराउंड तो आप लोग भी कॉपी में वन टू फिफ्टीन तक नंबरिंग कर लेना आज के क्वेश्चंस थोड़े से वाइज बड़े हैं लेकिन अगर आप लोग उन ट्रिक्स को यूज़ करते हो तो आज के क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी से कर जाओगे ठीक है सेशन के एंड में मुझे बताना जरूर कि 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या रहा जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना उसके बाद एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना ठीक है सॉल्व द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है एंड हेयर इट इज़ क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी डरने का नहीं मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई थी लास्ट सेशन में उन ट्रिक्स को यूज करना है और फटाफट से पहुंचना है ठीक है लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था इट यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स अब जब प्रोनाउन लिखा हुआ है इट तो इसके पहले नाउन का इंट्रोडक्शन होना तो जरूरी है ना नाउन होगा तभी उसका प्रोनाउन यूज होगा दैट मीन्स यहाँ से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती है लास्ट सेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि दस एक, एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा आखिरी में यूज किया जाता है दैट दैट इट्स अ कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग वर्ड वर्ड है ये सी वाला जो है ना वो आखिरी में आना चाहिए अब हमने देखा किस ऑप्शन में सी आखिरी में दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए तो यही हमारा सही आंसर है अगर हमको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक और पेयर ढूंढना है तो हम ये देख सकते हैं कि क्या बी स्टार्टिंग में होना सही है हमने देखा टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है बिल्कुल सेंटेंस बी ही हमारे स्टार्टिंग होगा और दस से सेंटेंस का हम कंक्लूजन करते हैं तो वो आखिरी में होगा दैट मीन्स आपने बस फर्स्ट वर्ड को देखा और सही आंसर पर पहुंच गए पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर आप इस सेशन को नहीं देखते और फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाते डी स्टूडेंट्स तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कम से कम आप दो से तीन मिनट तो इस पर वेस्ट करते ही वर्क करते तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी आगे से ज़रूर इस चीज़ों को आप लोग यूज़ करना नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है अगेन वही टक यूज करना है आप लोगों को सबसे पहले सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी पार्ट ढूंढना है इंट्रोडक्टरी पार्ट कौन सा हो सकता है आपका या तो वो आपका होगा नाउन या तो फिर होगा प्रनाउन सबसे पहले आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है ओके डी स्टूडेंट्स अब देखो इधर क्या लिखा है इट वॉज एन ऑनर क्या ऑनर है भैया हमको नहीं पता इसको हटाओ स्टार्टिंग में आ नहीं सकता द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस गैलेंट्री अवार्ड एंड फाइनेंशियल एड फॉर हिज फैमिली अब किसकी फैमिली यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं है किसकी फैमिली को भैया ये प्राइज दिया जा रहा है इतना बड़ा सेंटेंस सी में गए तो हमने देखा सोल्जर डाइट फाइटिंग इन द बैटल फील्ड मतलब एक सोल्जर जो है वो लड़ाई करते करते युद्ध में शहीद हो चुका है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या कर रहे हैं फाइनेंशियल एड उसकी फैमिली को दैट मीन्स हमारा जो सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमें मिल गया है सी से कहाँ से होगा भैया सी से अब सी के बाद बट ऑब्वियसली बात है हमने देखा बी वाला पार्ट होगा क्योंकि उसकी फैमिली के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुछ कर रहा है दैट मीन्स आपका जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा सी बी अब सी बी आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी फॉर मॉम तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर ठीक है स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़े उससे पहले आपको अपने कोर्स के बारे में बता देते हैं ये स्टूडेंट्स हमारा इंग्लिश का लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो कि फर्स्ट ऑफ मार्च है इसमें हम लोग ग्रामर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं कम्प्रीशन पार्ट अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एंड वो पूरी डिटेल में रहने वाली है ये सारे जो भी इस बैच में हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं पूरा ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं एडवांस लेवल तक जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आता है उन सारी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं हम इस बैच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं क्लास नोट्स क्लास नोट्स दिए जाते हैं मॉक टेस्ट रहता है और साथ ही साथ एक साल की वैलिडिटी भी है अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर ए एम सी जी टी कोर्ट अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा हम आपको वहाँ पे डेली डाउट सेशन भी लेते हैं अगर आपके कुछ डाउट है कुछ क्वेरी है आप मुझसे पूछना चाहते हो तो इस बैच में आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हो ठीक yeah, है so, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स हमको अगेन फाइंड आउट करना है क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट ठीक है अब आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है सीजीएल एग्जाम के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऐसा है नहीं कि मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया और मन से ऑप्शंस रखे आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो 2020 हज़ार बीस टीयर वन के क्वेश्चन से वही क्वेश्चन है और वही ऑप्शंस है इतनी आसान आसान ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी करवाएंगे सीरियस लेवल के जिसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स आप लोगों को दिए जाते हैं एंड देन उनकी बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिक्स भी बताएंगे ठीक है देखते इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा इधर लिखा है वैन अ काफ इज बॉर्न अंडर वाटर द मदर मस्ट गेट इट टू द सर्फेस द यंग वंस रिमेन द वन रिमेन्स विद दियर पेरेंट्स ऑफन अनादर वेल यहाँ से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी हमको एक ऐसा वर्ड चाहिए स्टार्टिंग में जो क्या करे हमारे सेंटेंस को स्टार्ट करे इंट्रोडक्ट्री पार्ट बने

d से स्टार्ट होगा अब d से स्टार्ट होने वाले तो भैया ऑप्शन नंबर a भी है d भी है हम फंस गए क्या करें अब हम अब हम दूसरी ट्रिक अपनाने की कोशिश करते हैं पेयरिंग बनाने की कोशिश करते हैं हम देखते हैं कि d के बाद a ज्यादा सही होगा कि d के बाद b पहले हम देखते हैं d के बाद b the young one remain with their parent अब यंग वन आएगा कहां से पहले उसको जन्म तो लेने दो तो तभी तो वो आएगा भाई दैट मीन्स पहले ऑप्शन नंबर ए आएगा उसके बाद बी ऑप्शन आएगा तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी आ रही है बात समझ में सभी स्टूडेंट्स को हमको पहचानना है पहले सेंटेंस में कौन सा पार्ट आएगा उसको कनेक्ट करके नेक्स्ट पार्ट हमें ढूंढने की कोशिश करनी है ओके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब देखो वाइल से तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी नहीं हटाओ रमेश से बिल्कुल हो सकती है टू ट्राई और ही अब हमें मिल गई लिंक क्या लिंक मिल गई सेंटेंस में नाउन का इंट्रोडक्शन और हमारे सेंटेंस में नाउन क्या है रमेश दैट मीन्स जो भी बी होगा बी से स्टार्ट हो रहा होगा वो हमारा सही आंसर होगा अब रमेश रमेश के लिए इन चारों सेंटेंसेस में एक हमको दिख रहा है फोर्थ वाले में प्रनाउन ही कौन से प्रोनाउन दिख रहा है भाई ही दैट मीन्स बी के बाद डी होगा सही आंसर हमने देखा बी डी कहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो गया आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर हाँ एग्जाम में फोकट बैठे हो सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए फिर भले क्रॉस चेकआउट कर लेना लेकिन आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर ये लिंक अगर आप ऐसे मैच कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा कहीं भी कोई गलती नहीं होगी ठीक है डी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता है बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े क्वेश्चन में हो जाते और छोटे क्वेश्चंस को करने में हमें टाइम लग जाता है दस सेकेंड के बीच में आपका सही आंसर आ जाएगा है ना आप देखते आप लोग ट्रिक पकड़ पा रहे हो कि नहीं ठीक है आपका टाइम खत्म होता है देखो मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रही हूँ डायरेक्टली बस मैं क्या करूं ईगल इन सारे चारों सेंटेंसेस को देख रही हूँ गो थ्रू कर रही हूँ आपको भी इन चारों सेंटेंसेस को गो थ्रू करना है आपको लिंक पकड़नी है कैसे भी करके मैंने एक लिंक पकड़ी क्या अ गार्डन द गार्डन लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था अगर आपके चारों सेंटेंसेस में आर्टिकल्स यूज होता है पहले वो सेंटेंस आता है जो इंडेफिनेट आर्टिकल का होता है एंड देन उसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल वाला सेंटेंस यूज करते हैं एम आर आइट तो यहाँ पर हमने गार्डन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा है अपने सेंटेंस में तो इनडेफिनेट आर्टिकल वाला है उसके बाद द गार्डन वापस गार्डन का जिक्र किया है दैट मीनस डी के बाद आपका सी आएगा क्या डी स्टूडेंट्स डी के बाद सी अब चारों ऑप्शन में से फटाफट से ढूंढो डी के बाद सी कहाँ लिखा है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में और वो ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर भी आपका होगा बी आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हटाओ द क्वेश्चन व्हाट टू डू अबाउट इट अगेन यहाँ पे लिखा है इट ये भी नहीं होगा यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट ये भी नहीं होगा सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से होगी भैया

डू अबाउट इट यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट और बॉटल इट बॉटल इट अप एंड इग्नोर इट बिल्कुल सी के बाद आपका बी ही ऑप्शन करेक्ट है क्यू क्योंकि डी के बाद आप देखो इधर लिखा है दैट एंगर हर्ट्स योर हेल्थ अब हर्ट्स को कनेक्ट करते हुए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है इट हर्ट्स दैट मीन्स आपको क्या मिल गए सेम फैक्टर्स मिल गए आपको हर्ट्स वर्ड मिला है किस में ऑप्शन नंबर डी में और यही हर्ट्स वर्ड आपको कहाँ पर मिला है ए में दैट मीन्स डी के बाद आप क्या लिखोगे ए क्या लिखोगे डी स्टूडेंट्स डी के बाद ए तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितनी आसान ट्रिक थी आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इजी बहुत ही बढ़िया वाइल द लॉन्ग थिंग वन अब क्या लॉन्ग थिंग वन हमको नहीं पता हाउ एवर से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी अगेन यहाँ लिखा हुआ है दे प्रनाउन है हमें नहीं चाहिए बी से स्टार्टिंग होना चाहिए अब हमको भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया टिपिकल हमने देखा चारों ऑप्शन में बी से स्टार्टिंग हो रही है बी से स्टार्टिंग हो रही है अब हमको फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे ढूंढना ही नहीं था कायदे से हमको डायरेक्टली क्या करना था लिंक ढूंढने की कोशिश करनी थी कि बी के बाद सी आएगा कि डी आएगा कि ए आएगा यहाँ पे बात चल रही किसकी भैया नूडल्स की बात चल रही है कि नूडल्स ऐसा फूड है जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में पाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में ही नूडल्स को खाया जाता है बनाया जाता है उसके बाद नूडल्स की कुछ वेराइटी के बारे में बात की गई है इसी वैरायटी की बात को आगे डी वाले सेंटेंस में कंटिन्यू किया गया है कि ये सारी वैरायटीज यूजुअली कुक की जाती है बॉइलिंग वाटर में और उसके बाद उसे सर्व किया जाता है सॉस में या तो फिर सूप में That means, जो C वाला है ना वो सबसे आखिरी में आएगा क्यो? क्यों? क्योंकि वो क्यों, रेसिपी की एंडिंग प्रोसीजर बता रहा है कि इस को हम आखरी में कैसे सर्व करते हमने देखा क्या हम बी के बाद डी लगा सकते नहीं बी के बाद ए ही करेक्ट होगा क्यों क्या पे? यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग थिन वंस के लिए बात की गई है नूडल्स के लिए तो बी ए बी ए और आखिरी में क्या आएगा सी तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी अच्छा क्वेश्चन था ट्रिकी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देखो क्या लिखा हुआ भैया आई फाउंड ही एन ओल्ड सेलर अब यहां पे लिखा है ओल्ड सेलर था कौन हमको नहीं पता तो ये सेंटेंस आपका स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं हो सकता सो so, सो so तो यूज किया जाता है कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन के लिए दैट मीनस बी भी स्टार्टिंग नहीं होगा यहाँ पे लिखा है ही प्रनाउन है ही भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता दैट मीन सेंटेंस की स्टार्टिंग हंड्रेड परसेंट कहाँ से होगी डी से और डी से स्टार्ट होने वाले हमारे पास दो ऑप्शन है अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक वैन बाय एक्सीडेंट आई फेल इन टॉक विद अ स्ट्रेंजर मैं जब डॉक पे था तो मेरी मुलाकात एक स्ट्रेंजर अजनबी से हुई उस अजनबी के लिए यहां पर उसने लिखा है मैंने उसको ओल्ड सेलर आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर एंड न्यू ऑल द सी फेयरिंग मैन एन दैट इसी स्ट्रेंजर के लिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज किया है ही दैट आपकी करेक्ट पेयरिंग क्या होनी चाहिए डी ए अब डी ए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है ए वाले में दिख रहा है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगे हमें ढूंढना ही नहीं है पढ़ना ही नहीं है टाइम वेस्ट करना ही नहीं है हमें अपना बिल्कुल भी ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरी इजी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है देख लेते इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दे आर तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा नहीं है ना हमको भैया पहले नाउन चाहिए तभी तो हम उसके बारे में बताएंगे कि उसकी प्रेस्टिज किसकी प्रेस्टिज की बात हो रही है तो सेंटेंस नंबर बी में हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे ओलंपिक्स की बात हो रही है किसकी बात हो रही है भाई ओलंपिक्स की अब इस ओलंपिक्स के लिए ही ए में लिखा हुआ है देर प्रेस्टिच एंड ग्लोरी स्प्रेड फार एंड वाइड That means B और A आपस में क्या है भाई पेयर है अब बी ए आपको कहां पर दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जाएगा। आर ये बात समझ में दूसरी चीज आप ये भी देख सकते थे कि यहाँ पे क्रिश्चियंस की बात लिखिए यहाँ पे क्रिश्चियंस की बात लिखिए दैट मीन सी और डी का चलेंगे पेयर में चलेंगे ठीक है अब आपको सी डी या तो फिर डी सी वो बना के देखना पड़ेगा बस ध्यान क्या रखना है बी ए साथ में हो और सी डी आप लोगों का साथ में हो और वो हमें पहुंच जाओगे से सेंटेंस से से की स्टार्टिंग नहीं होगी प्रोनाउन है अगेन यहां से भी नहीं सी से सेंटेंस से की स्टार्टिंग होगी क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एट हिज रेड ट्रिप्स सी से स्टार्ट होने वाले हमारे पास दो ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे अ पैडलर की बात की गई है एक पैडलर बैठा था और देख रहा था रेड ट्रिप्स पे उस पैडलर के लिए ही बी में लिखा है क्या ही क्या लिखा हुआ है ही ये जो प्रणाव है किसके लिए यूज हुआ है बट ऑब्वियस पैडलर के लिए यूज हुआ है दैट मीन्स सी के बाद आपकी पेयरिंग करेक्ट क्या बनेगी बी और सी के बाद बी ऑप्शन नंबर किस में है, में है? था कि नहीं कितना आसान करना बस आपको काम क्या करना है फटाफट से, से सेंटेंस में ढूंढना है कि आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट या नाउन क्या हो सकता है जैसे ही सब्जेक्ट मिल गया इंट्रोडक्टरी पार्ट मिल गया फटाफट से उससे रिलेटेड प्रोनाउन ढूंढो वर्ब ढूंढो और सही आंसर पर पहुंच जाओ है कि नहीं चलो अगेन नेक्स्ट इलेवेंथ दिखने में बहुत बड़ा लेकिन करने में बहुत आसान अब इन्होंने लिखा है दे ऑल्सो विजिट कौन विजिट करता था हमको तो पता ही नहीं चला दैट मीन्स यहाँ पे ये इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं हो सकता हमारा वंस इन ऑफिस दे रिसीव अब वापस से दे आ गया भैया हमको पता ही नहीं है कौन तो फिर तुम दे दे क्यों लिख रहे हो बार बार बी भी नहीं होगा सी में लिखा है वी कैन फ्रिक्वेंटली फाइंड अ लार्ज नंबर हाँ सी वाले को पढ़ के हमको लग रहा है कि ये पार्ट स्टार्टिंग का हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन किया जाता है इंट्रोडक्शन किया जा रहा है कि हमको जनरली ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो इधर उधर बैठे हुए पाए जाते हैं और कुछ भी नहीं करते बस बैठे रहते हैं

कितना आसान क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन पड़े उससे पहले हम आपको बता दें एस एस सी सीजी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जामी जुलाई में तो अगर आप पूरी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं पूरा कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जी के टिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच को परचेस कर सकते हैं इसमें आपको मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस जीके सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे बैच में रजिस्ट्रेशन ओपन है वीडियो लेक्चर्स मॉक टेस्ट सारी चीज़ें आपको मिलेगी और सारी चीज़ें लेटेस्ट पेपर बेस्ड पैटर्न भी है तो फटाफट से अपना नाम इनरोल कराइए और इस बैच में अपनी सीट कंफर्म कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ वाला देख लेते हैं एकोमोडेशन एंड फूड वर गिवन फ्री दिस वॉज लेट इन अ हॉस्टल दिस से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी नहीं बट तो करता है चीजों को कॉन्ट्रोडिक्ट करने की कोशिश दैट मीन्स बट भी नहीं होगा यहाँ तो ऑप्शन सी हो सकता है या तो ऑप्शन ए हो सकता है अब यहाँ पे भाई हमको ए में बोला है और फूड फ्री में बांटा जाता था बांटा बांटा जाता जाता था जाता था क्यों क्या ये सेंटेंस में जम रहा है स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं जम रहा है सेंटेंस सी जरूर जम रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे बताई गई ये बात कि कुछ साल पहले मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था एक स्मॉल फंक्शन में अब इस फंक्शन के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वॉस स सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी सी से और सी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है कौन सा भाई ऑप्शन नंबर डी तो वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है दिखने में बहुत बड़ा बट है बहुत आसान देखो बहुत ही आसान ट्रिक मात्र पांच सेकेंड के अंदर आंसर सो so, सो so से हम सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं कर सकते नाउ इन द इन्फॉर्मेशन एयर आर डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज बर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती अब देखो यू बैटल विथ योर एनिमी हमको सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी पार्ट चाहिए और इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने बी भी पढ़ के देखा और सी भी पढ़ के देखा बी में नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या है सी ए डी बी दैट मीनस जो भी पार्ट हमारा सी से स्टार्ट होगा वही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा नाउ इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा द दिनि प्रोडक्टिंग ये वाला सेंटेंस हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं हो सकता है ठीक है आपको पहले कुछ ऐसी वाली चीज थी जो आपके सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने का काम करे ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नेक्स्ट है बहुत ही आसान क्वेश्चन अगेन दे है दे किसके लिए यूज किया हमें नहीं पता वन डे ही अब ही कौन कौन सा प्रोनाउन किसके लिए हो रहा है ये भी नहीं पता देयर वॉज ओनली वन थिंग ये भी नहीं होगा सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी सी से आप सभी को पता है जब भी कोई स्टोरी हम शुरुआत करते हैं तो वहां पर लिखते हम वंस अपॉन अ टाइम है ना तो दैट मीन्स सी जहां पर होगा वो करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सी सिर्फ और सिर्फ एक ही में था और वो हमको दिख गया करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली बिना कुछ टाइम वेस्ट किए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सारा नहीं पढ़ना है आपको बस मेन मेन चीजें पढ़नी है आपने देखा ऑप्शन नंबर ए में एक बुक के नाम बुक के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने एक बुक लिखी थी ठीक है फिर उसके बाद बी में लिखा है हाउ एवर हाउ एवर से सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कर नहीं सकते इसको हटाओ इन दिस बुक लिखा है अब बट ऑब्वियसली दिस बुक किसके लिए होगा ऑप्शन नंबर ए के लिए

इबन अल हल्ताम ने क्या करा फिजिक्स के कंसेप्ट पे लिखना शुरू किया दैट मीन्स पहले सी आएगा उसके बाद क्या आएगा बी आपके दो पेयर्स बन गए इन दोनों पेयर को फटाफट से ढूंढो और सीएन से, से पहुंच जाओ देखो ए डी इधर तो लिखा है और ए डी इधर भी लिखा है दैट मीन्स इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा अब पहले आप फिजिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे तभी तो उसके ऊपर बुक लिखोगे फिजिक्स के बारे में ही पता नहीं होगा तो बुक कैसे लिखोगे दैट मीन्स पहले ये वाली कहानी चलेगी आपकी सीबी वाली है ना सीबी वाली कहानी पहले चलेगी उसके बाद ए और डी बनेगा आर ये बात समझ में सभी लोगों को कैसे इसका करेक्ट आंसर है चलो अब हम सेशन एंड करें उससे पहले मुझे बताना जरूर सारे स्टूडेंट्स कि 15 में से आप लोगों का कितना स्कोर रहा सेशन कैसा लगा वो भी मुझे बताना ज़रूर बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाने में तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराओ तो ज़रूर कर लेना सो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल